ध्यान धर्म का सार है। ध्यान अध्यात्म की कुंजी है। ध्यान स्वयं को जानने का अनुष्ठान है। और ध्यान जीवन की विशुद्धि आध्यात्मिक शांति और सत्य की प्राप्ति का आधार मार्ग है। ध्यान शब्द का अर्थ होता है लगना। ध्येय में लग जाने का नाम ही ध्यान है। जिसमें चित्त रमण करने लगे, अगर बाहर में रमण करने लगे तो बाहर ध्यान है, और भीतर में रमण करने लगे तो वही अंतर ध्यान है। जैसे इंसान अपनी छाया और साया के बगैर नहीं होता, वैसे ही कोई भी इंसान बगैर यदि ध्यान पूर्वक चलेगा तो मंजिल तक पहुंचेगा, और बगैर ध्यान के चलेगा तो बीच में ही लड़खड़ाकर गिर पड़ेगा। यदि ध्यान से बोलेगा तो उसका बोलना संबंधों को स्थापित करने वाला होगा, और बगैर ध्यान के बोलेगा तो खुद ही जूते खाएगा। ध्यान से अगर खाएगा तो प्रत्येक पदार्थ का स्वाद और आनंद ले सकेगा, और बगैर ध्यान के खाएगा तो अपने ही गालों को अपने ही दांतों से चबा बैठेगा। ध्यान से अगर किसी भी वस्तु और पदार्थ को रखेगा तो अंधेरे में भी उसका पता लगा लेगा, और बगैर ध्यान के अगर किसी भी वस्तु या पदार्थ को रखेगा तो रोशनी में भी मिलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ध्यान से अगर मलमूत्र तक का विसर्जन करेगा तो मलमूत्र के विसर्जन में भी उसके द्वारा अहिंसा का आचरण और सम्मान होगा, और बगैर ध्यान के अगर मलमूत्र तो क्या, हाथ भी हिलाएगा तो उससे भी उसे उसके पापों का अनुबंध हो जाएगा। बाहर की ओर ध्यान रखेगा तो वह बहिर ध्यान कहलाएगा, और भीतर की ओर ध्यान रखेगा तो वह अंतर ध्यान कहलाएगा। ध्यान व्यक्ति के लिए जरूरी है, बाहर भी जरूरी है और भीतर भी जरूरी है।
धर्म के द्वारा दिए गए सारे रास्ते और उपाय, वे या तो कोई उपाय ऐसे हैं जो बाहर के लिए हैं, या कुछ उपाय ऐसे हैं जो केवल भीतर के लिए हैं। लेकिन ध्यान एक ऐसा उपाय है, ध्यान एक ऐसा देहरी का दीपक है कि जिसकी रोशनी बाहर भी जाती रहनी चाहिए और भीतर भी उतरती रहनी चाहिए। बाहर और भीतर दोनों तरफ ध्यान इसलिए हो ताकि व्यक्ति के भीतर क्या है वह उन बातों को समझकर किन निमित्तों से प्रभावित होना है और किन निमित्तों से निरपेक्ष रहना है, इसका विवेक, इसकी हंस दृष्टि वह अपने साथ रख सके। अन्यथा इस दुनियादारी की दुनिया में और हमारा चित्त जो अलग अलग लेशियाओं से घिरा हुआ है, अलग अलग संस्कार और वृत्तियों से भरा हुआ है, यह छोटे छोटे निमित्त को पाकर कभी क्रोधित होगा, कभी विकारग्रस्त होगा, कभी खाने पीने को मचलेगा। व्यक्ति असंयमित असंवर भाव में स्थापित हो जाएगा और परिणाम यह निकलेगा कि इंसान के हाथ में केवल हाथ रह जाएगा, इसके अलावा कुछ भी न बचेगा। इसीलिए जरूरी है कि व्यक्ति जीवन के अंतर जगत के प्रति भी बोधपूर्ण जिए और जीवन के बहिर जगत के प्रति भी बोधपूर्ण जिए। बोध ही जीवन का सार है, बोध ही ध्यान का परिणाम है, बोध ही व्यक्ति को शांति देता है, बोध ही व्यक्ति के लिए अखंड आनंद का आधार बनता है और बोध ही व्यक्ति के लिए अंतिम चरण में निर्वाण के साक्षात्कार में भूमिका अदा करता है। बोध शुरुआती दौर पर सम्यक बोध के साथ शुरू होता है, लेकिन अपनी परिपूर्णता में यही संपूर्ण बोध बन जाया करता है। ध्यान इस बोध के दीप को जलाने की माचिस की तीली है। जो व्यक्ति जितना ध्यान करेगा वह व्यक्ति अस्तित्व के हर मर्म को उतना ही बोधपूर्वक जी पाएगा। जीवन में अच्छा और बुरा क्या है इसका निर्णय हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। यहां तो अच्छा और बुरे का निर्णय केवल इस आधार पर होता है कि मन को जो अच्छा लग जाए वो अच्छा और मन को जो बुरा लग जाए वो बुरा। लेकिन बोधपूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति, होश पूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति, ध्यान पूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति इस बात का विवेक करने में समर्थ हो जाया करता है कि मुझे कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ये तो कोई इंसानी समझ का परिणाम नहीं हुआ कि जो मन में आया सो खा लिया, जहां मन में आया वही खा लिया, जो मन में आया सो बोल दिया, जैसा मन में आया वैसा बोल दिया। तो भाई फिर तो सांड में और इंसान में फर्क कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा। एक सांड भी सड़क चलता चलता ही किसी ठेले पर अपना मुंह मार देता है और एक इंसान भी चलता चलता ही किसी भी ठेले पर खड़े होकर पानी पता से खाना शुरू कर देता है। फिर तो ये फर्क कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा। एक सांड भी सड़क चलते चलते ही किसी को सींग मार देता और एक इंसान भी सड़क पर चलते चलते ही चाहे जिसको थप्पड़ मार देता है। तो सांड में और इंसान में फर्क कैसे करेंगे। सांड वही है जो कि अबोध पूर्वक जीता है और इंसान वही है जो कि बोध पूर्वक जीता है। एक
एक संत के पास दूसरा संत पहुंचा तो पहले संत ने दूसरे संत को चीलम पकड़ाई और कहा ले भाई फूंक ले। तो दूसरे संत ने कहा कि मैं चीलम नहीं फूंकता। पहले संत ने माथे पर हाथ मार और कहा धत तेरी की, साला संत होकर के चीलम नहीं फूंकता, काहे का संत है? संत होके चीलम भी नहीं फूंकता तो इंसान भी नहीं है। आदमी चौंका कि एक तो मैंने चीलम नहीं फूंकी, व्यसन मुक्ति को अपने जीवन के साथ जोड़े रखा, और दूसरे में ये मुझे गाली भी देता है, और चीलम नहीं पी तो इसके लिए मुझे इंसान भी मानने को तैयार नहीं है, कैसा ये संत है? तो उसने चीलम फूंकने वाले संत को थोड़ा सा हिलाया और कहा भैया जरा मुझे एक बात बता दो कि तुम कहते हो कि चीलम अगर मैं नहीं फूंकता तो मैं इंसान भी नहीं हूं, तो जरा तुम्हें मुझे बता दो कि फिर मैं क्या हूं, तुम्हें मुझे बता दो कि मैं क्या हूं। चीलम फूंकने वाले संत ने धुआं छोड़ते हुए कहा तब फिर तुम भगवान हो। अगर तुम चीलम नहीं फूंकते तो तुम निश्चित तौर पर भगवान हो, पर मेरी कमजोरी है इसलिए मैं अभी भी चीलम फूंकता हूं। जो व्यक्ति बोध पूर्वक जिएगा, सावधानी पूर्वक जिएगा, वह व्यक्ति क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का विवेक उसके पास होगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के व्यक्ति चीलम फूंकते हुए भी भगवान को भज लेते हैं, और दूसरी प्रकृति के लोग भगवान का भजन करते हुए भी चीलम फूंकते रहते हैं। बुनियादी फर्क है। चीलम फूंकते हुए अगर भगवान का भजन कर लो तो चल जाएगा, क्योंकि तुमने गलत रास्ते पर कदम बढ़ाने के बावजूद मन में किसी अच्छे तत्व की प्रार्थना कर ली। पर अगर भगवान का भजन करते हुए भी अगर चीलम को याद कर बैठे, शराब को याद कर बैठे, दुकानदारी को याद कर बैठे, तो भगवान का भजन तो नहीं हुआ, भगवान के मंदिर में जाकर के भी संसार का ही सृजन हुआ। पत्नी को भोगते हुए, पति को भोगते हुए अगर परमेश्वर को याद कर लिया तो शायद कहीं कोई बेड़ा पार लग जाए, पर परमेश्वर का भजन करते वक्त अगर पत्नी को याद कर लिया कि पति को याद कर लिया तो बेड़ा गर्क हो गया। ये बोध, ये इंसान का ध्यान इंसान को सिखाता है कि तुम्हें कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जिंदगी भर तो कोई मम्मी पापा आकर समझाने से रहे कि बेटा ऐसा करना और वैसा मत करना, ठीक है? छोटे बच्चे हैं तब तक मां बाप कह देते हैं, अब कोई जिंदगी भर थोड़ी कहते रहेंगे, जिंदगी भर कोई गुरुजी थोड़ी आते रहेंगे क्लास के कि बेटा ऐसा करना और वैसा मत करना। ये तो खुद में ही ये बोध जगाना होगा और निर्णय करना होगा, ये दीपक जलाना होगा कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों से रिश्ता बनाकर रखना चाहिए और किन लोगों से निर्मोही हो जाना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए और किन लोगों का त्याग कर देना चाहिए, कितने प्रतिशत तक मुझे व्यापार करना चाहिए और कितने प्रतिशत तक मुझे व्यापार से मुक्त हो जाना चाहिए, कितना प्रतिशत मुझे धन रखना चाहिए, परिग्रह रखना चाहिए, और कितना प्रतिशत मुझे छोड़ देना चाहिए। अब कोई महावीर स्वामी तो आने से रहे सिद्धशिला पर से उतरकर,
अब कोई राम जी तो आने से रहे, कृष्ण जी तो वापस दोबारा गीता कहने के लिए आने से रहे, उनको इतनी फुर्सत भी नहीं होगी कि वो रोज अपन सब लोगों के बीच में आए और अपन लोगों से माथा फोड़ी करे। अपने मम्मी पापा वही दाब गए होंगे और वो भी सोच बैठे होंगे कौन यार इनसे छाती कूटा करे, जैसा तेरे को जीना है वैसा जी। तो जब माँ बाप जिनके अपन दो तीन संतान होंगे वो भी दाब गए तो ऊपर वाला अपन सब अरबों प्राणी हैं उसकी संतान के रूप में, अब वो किस किस को टटोलता रहे और किस किस को संभालता रहे और किस किस के पास आकर के बार बार ज्ञान देता रहे। तो ये तो बोध का दीप स्वयं में ही जलाना होगा, ज्ञान का दीप स्वयं में ही जलाना होगा, ध्यान का दीप स्वयं में ही जलाना होगा। मैंने कहा ध्यान एक रास्ता है और रास्ता हमेशा पार करने के लिए होता है। रास्ता कभी बैठने के लिए नहीं होता, रास्ता हमेशा पार करने के लिए होता है। अगर चलोगे तो मंजिल पाओगे, नहीं चलोगे तो नहीं पाओगे। इसमें कोई लंबी चौड़े तर्क की बात नहीं है। रास्ते रास्तों को पार करने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं, न कि रास्तों पर पड़ाव बनाने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। ध्यान की विधि को भी अगर अपना रहे हैं तो विधि को अपनाना वो भी रास्ता है, लेकिन विधि को छोड़ भी देना। आगे बढ़ने के लिए गाइड की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, तो गुरु को भी अपना लेना लेकिन आगे जाकर गुरु को भी छोड़ देना, नहीं तो जैसे जिंदगी भर पति से बंध कर रहोगे, पत्नी से बंध कर रहोगे, बच्चों से बंध कर रहोगे, ऐसे गुरु से भी बंध जाओगे। पंथ का सम्मान करना, पंथ का अनुसरण करना, लेकिन आगे जाकर उसको भी छोड़ देना। ध्यान की कोई विधि हो तो विधि का सम्मान कीजिएगा, लेकिन जब हम सहज ही अपने साथ लयबद्ध हो चुके हैं, स्वतः ही आत्म जागरूक हो गए हैं, तो विधि को भी छोड़ देना। दुनिया की हर विधि प्रवेश के लिए होती है। पाक शास्त्र की किताब प्रवेश के लिए होती है कि आटे में पानी कितना प्रतिशत डाला जाए और आटे में नमक कितना डाला जाए गिलोते समय। इसके लिए जो किताब हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए जो सासू मां हमें समझा रही है, वो तभी तक के लिए है जब तक कि गिलोना नहीं आता। और जब गिलोना आ गया है तो क्या जिंदगी भर उस किताब को अपना धर्मशास्त्र समझ करके कि इसके जरिए ही मैंने आटा गिलोना सीखा है, तो जिंदगी भर क्या हम उसकी पूजा करते रहेंगे? या जिस सासू ने हमें आटा गिलोना सिखाया, क्या जिंदगी भर हम उसी सासू जी के पांव दबाते रहेंगे? आपने सिखाया, शुक्रिया, आगे नया गिलोना सीखेंगे, नई चीज सीखेंगे, नए तौर तरीके सीखेंगे, कुछ और नया सीखेंगे। मैं मानता हूं दुनिया में अगर धर्म के इतने सारे पगथिए हैं, इतने सारी सीढ़ियां हैं, तो सारी सीढ़ियों का उपयोग है। मंदिर का भी उपयोग है, मस्जिद का भी उपयोग है, गुरुद्वारे का भी उपयोग है, सबका उपयोग है, लेकिन आगे भी तो बढ़ो भाई। जिंदगी भर उसी से बनकर रहोगे या कुछ दो कदम और आगे बढ़ने का भी सोचोगे? जहां हैं वहीं तक ही अगर संतुष्ट हैं तो बात अलग है। और आदमी को धन की दृष्टि से संतोष कर लेना चाहिए, पर अपने जीवन की प्रगति की दृष्टि से कभी संतोष नहीं करना चाहिए। धन के लिहाज से संतोष करना चाहिए, क्योंकि धन यहीं छोड़ छोड़ा कर चले जाएंगे, पर अपने आध्यात्मिक सौंदर्य, आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक सुवास के बारे में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि मैं और कैसे आगे बढ़ सकता हूं, यह प्रयत्न करूं। तो उनका हर दिन उनके लिए एक अवसर बन जाता है। हर दिन वो कुछ ना कुछ करना और पाना चाहते हैं। बाकी तो रूटीन लाइफ जी करके क्या करोगे? अब रूटीन लाइफ ही अगर जीना है, जैसा कल जिए वैसा ही आज जीना है, तो जैसे भले कल ही मर जाएं, क्या फर्क पड़ना है 20 साल के बाद की बजाय।
कोई ज्यादा तो अपन कुछ करेंगे नहीं, ले दे के अखबार पढ़ लेंगे, ले दे के खाना खा लेंगे, ले दे के एक दो बार सब्जी लेके आ जाएंगे, या ले दे के अगर छोटी उम्र के लोग हैं अपन लोग तो दुकान चले जाएंगे, ले दे के कुल मिलाकर के वही पैसा जमीन जायदाद, कुल मिलाकर वही घर से घाट, घाट से घर, घर से घाट, घाट से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, और कुल मिलाकर यही तो रूटीन लाइफ है। कल भी ऐसे जिए, 5 साल पहले भी ऐसे जिए, और 5 साल बाद भी कैसा जियोगे? ऐसे ही जीना है, और अगर ऐसे जीना है तो ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ना है? अर्थी उठनी तो यही है, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई अमर हुआ नहीं। राम जी भी चले गए, मोहम्मद साहब भी चले गए, महावीर जी भी चले गए, कोई दुनिया में रहा थोड़ी है, कोई दुनिया में रहा है क्या? अभी राम जी के खिलाफ कुछ बोल दो तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, और मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई बोल दे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। पर एक बात तय है कि ना राम जी रहे हैं, ना मोहम्मद जी रहे हैं, और ना महावीर जी रहे हैं, सब अपन लोग यहां से जाने वाले हैं। तो जब जाना तय है अपन लोगों का, तो फिर क्यों ना हम अपना सहज जीवन जी करके चले जाएं, अनावश्यक छाती कूटा अपनी छाती पर ढोते रहने की बजाय। मस्त रहना सीखो, आनंदित रहना सीखो, कषाय मुक्त होकर जीवन जीना सीखो, बोधपूर्वक जीवन जीना सीखो। मैंने पहले ही कह दिया, मम्मी पापा, टीचर, गुरुजी, प्रोफेसर साहब, वाइस चांसलर साहब, कोई भी रोज रोज तो सिखाने के लिए आएंगे नहीं, रोज रोज टोका भी नहीं जा सकता, रोज रोज टोको तो अगला समझ जाएगा कि भाई इनकी तो आदत ही ऐसी है। तो ये तो स्वयं को ही स्व विवेक से, स्व बोध से, स्व ज्ञान से, स्व विवेक से स्वयं में ही ये निर्णय लेना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रास्ता है इसका, और वो है ध्यान। कि 7 दिन तक अगर हम ध्यान शिविर में शरीक हुए हैं और 7 दिन तक हम ध्यान धर रहे हैं, तो ध्यान धर करके हम अपने प्रति जागरूक हो रहे हैं, और जब यहां से घर लौट कर जाएंगे तो जगत के प्रति जागरूक होंगे, और तब खाएंगे तो भी ध्यान पूर्वक, बोलेंगे तो भी ध्यान पूर्वक, चलेंगे तो भी ध्यान पूर्वक, किसी भी वस्तु को उठाकर रखेंगे तो भी ध्यान पूर्वक, जीवन के प्रत्येक कार्य को ध्यान पूर्वक करेंगे। यही हमने 7 दिन अपने भीतर उतर करके, भीतर में ध्यान धर करके बाहर के प्रति समझा है, बोध जगाया है। तो ध्यान एक रास्ता है, अपन कोई गुफावासी लोग तो है नहीं सारे कि गुफाओं में जाकर के बैठ जाएंगे, जाना तो वापस इसी दुनिया में पड़ेगा। पहले मैं समझता था कि मैं महाराज हूं, मैं संत हूं, तो आप सोचेंगे क्या मैं अब नहीं समझता हूं क्या? पहले मैं समझता था कि मैं संत हूं, मैं मुनि हूं, कई लोग मेरी पूजा करते हैं तो मैं उनका गुरु हूं, लेकिन बहुत जल्दी ही मेरा यह भ्रम टूट गया। मुझे लगा कि किसको गृहस्थ कहूं और किसको संत कहूं। संत बन तो गया, लेकिन संत बनने के बाद भी लगा यार, संत भी खाते पीते अंगते मूतते हैं और गृहस्थ भी खाते पीते अंगते मूतते हैं, तो दोनों एक जैसे तो गए। संत भी किसी मकान, उपाश्रय स्थानक, मठ आश्रम में रहता, और गृहस्थ भी किसी घर, मकान, भवन में रहता है, दोनों एक जैसे तो हो गए। संत भी कोई ना कोई कपड़ा पहन रहा है और गृहस्थ भी कोई ना कोई कपड़ा पहन रहा है, दोनों ही कपड़े पहन रहे हैं, तो रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों की मूलभूत आवश्यकताएं वैसी की वैसी बनी हुई है, तो फिर यह भेद क्यों रखा जाए मन में कि मैं संत, यह अहम भाव क्यों पैदा किया जाए? तो ठीक है, जो है
कोई किसी भी रूप में माने उसकी मौज। तुम तो केवल एक ही विवेक और ध्यान रखो कि मैं अपना जीवन ध्यान पूर्वक जीऊंगा, बोध पूर्वक जीऊंगा, ज्ञान पूर्वक जीऊंगा। अब क्या फर्क पड़ना है, बदन पर सफेद कपड़ा पहन लो कि पीला कपड़ा पहन लो, कि कपड़ा उतार के नीचे रख दो, इससे क्या फर्क पड़ना है। संन्यास और गृहस्थी ये सब मन की वस्तुएं हैं, ये सब मन की वस्तुएं हैं। मन में कोई गृहस्थ भी कई दफा संत बन जाया करता है और मन में कई दफा संत भी गृहस्थ हो जाया करता है। ये मन के खेल हैं। अगर ध्यान रहेगा साथ में तो इंसान अपने मन को संभाल लेगा, गिरते हुए मन को फिर से संभाल लेगा। वरना जैसा कि मैंने एक पुरानी कहानी सुनी थी कि दो व्यक्ति एक साथ मरे और मर करके गए ऊपर, तो धर्मराज और यमराज ने पूछा कि भाई चित्रगुप्त बताओ कि किसको कहां भेजना है। तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये दो लोग आए हैं, एक वेश्या आई है और दूसरा एक मठ का संत आया है। बोले कहां भेजना है इनको, तुम्हारे बही खाते क्या बताते हैं। बोले मेरे बही खाते तो ये बताते हैं कि वेश्या को स्वर्ग भेजा जाए और संत को नरक भेजा जाए। संत बड़बड़ाया, बोले ए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तेरा माथा खराब हो गया क्या। और बिल्कुल यही शब्द उन्होंने भी कहे थे संत ने कि तेरा माथा खराब हो गया जो तू कहता है कि नरक में भेजा जाए संत को, अरे तेरे से तो ये दुनिया वाले लोग कहीं ज्यादा अच्छे हैं। जो देखो सही नीचे मेरी अर्थी निकल रही है और क्या जय जयकार हो रही है, देखो सही लाखों के चढ़ावे हो रहे हैं नीचे और तू कहता है कि वेश्या को स्वर्ग भेजा जाए। अरे उसके तो शव को कोई नीचे हाथ लगाने वाला नहीं है और नगर पालिका की गाड़ी में उसके शव को कुत्तों की तरह डाल करके नगर के बाहर फेंक दिया गया है। चित्रगुप्त तेरा माथा खराब हो गया है, देख ढंग से देख, तेरे बही खातों को दोबारा देख। चित्रगुप्त ने कहा महाराज बुरा मानने की बात नहीं है, दुनिया के लोग तो बाहर के रूप रूपाय को देखकर पूजा करते हैं और यहां पर इस धर्म लोक में जब इंसाफ होता है तो आदमी के मन के परिणामों के आधार पर इंसाफ होता है और मन के परिणाम ये कि सांझ के वक्त जब तू आरती कर रहा होता था तब तेरे मन में आता कि सामने जो वेश्या का कोठा बना हुआ है काश थोड़ा मजा मुझे वहां का भी मिल जाता, और उधर वो वेश्या ये भावना भाया करती कि मैं पापिनी, जन्म जन्म के न जाने कौन से ऐसे पाप मेरे उदय में आए हुए हैं कि मुझे रोज बर रोज यही पाप करना पड़ता है। कहीं उस पुजारी को देखो जो कि उस संत को देखो, उस पुजारी को देखो जो कि भगवान की पूजा में दत्तचित्त लगा हुआ है। महाराज जब तुम मरे ना तब भी तुम्हारे भीतर यही भाव थे और इस गणिका के भीतर भी यही भाव थे, मर करके दोनों ऊपर आए, तुम्हारे मन के भावों के आधार पर तुम्हें नरक भेजा जा रहा है और गणिका के मन के आधार पर स्वर्ग भेजा जा रहा है। बिगड़ते हुए मन को संवारने की कला अगर किसी के पास है तो वो ध्यान के पास है। हो सकता है कि एक ध्यान करने वाला व्यक्ति भी कभी क्रोध कर बैठे, कभी तारीफ सुनकर के अहंकार कर बैठे, कभी किसी स्त्री या पुरुष को देख करके मोहग्रस्त या विकारग्रस्त हो जाए, ये मुमकिन है क्योंकि ध्यान उतना गहरा नहीं उतरा होगा जितनी गहरी हमारी विकार वासनाएं हैं, तो गलती उससे हो सकती है। पर वो आदमी जो कि ध्यान का अभ्यास करने वाला होगा, अपने तन मन की अनुपश्यना करने वाला होगा, अपने संवेदनों के प्रति जागरूक होगा, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों
परसों नहीं तो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 3 साल के बाद, 7 साल के बाद, एक न एक दिन उस क्रोध से भी, उस मोह से भी, उस माया से भी, उस विकार से भी, उस प्रपंच से भी बाहर निकल आएगा। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान 70 साल का बूढ़ा हो जाएगा ना तो भी क्रोध करता हुआ मिल जाएगा, इंसान 70 साल का बूढ़ा हो जाएगा तो भी तीसरी शादी करने की सोचता रहेगा कि कहीं कोई गोटी फिट हो जाए। और वैसे भी आजकल अखबारों को उठा के देख लो, वर वधु की तलाश की जब बात आती है पूरे अखबार इसी से चल रहे हैं, वर वधु की तलाश में ही। अरे पहले अब तक तो ये देखते थे कि अखबार वालों का बिजनेस है इसलिए बेचारे उनको छापना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, आजकल धार्मिक पत्रिकाएं भी आती हैं तो उनमें भी यही वर वधु की तलाश। तो फिर होगा ये कि आदमी जहां तहां गोटी फिट करने की सोचता रहेगा। ध्यान करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है भले ही उन रास्तों से क्यों ना गुजर जाए, पर बगैर ध्यान के जीने वाला व्यक्ति 70 साल भी क्रोध कर ले, 70 साल भी भोग भोग ले, 70 साल भी गृहस्थी को जी ले, तब भी अपने मन में संन्यास के, मुक्ति के, निर्वाण के, परमात्मा के भाव नहीं संजो पाता। कहने में तो हर कोई महिला जाती है मंदिर में और जाकर के भगवान तू ही है, मेरा नाथ तू ही है, सब कुछ तू ही है। अरे भाई तू ही है, पर आधे घंटे के तक ही तू ही तू है, बाकी तो कोई तू और दूसरा है, बाकी तो तू कोई दूसरा और है, किसी और की चाहत है, किसी और की याद है। ये जो मन है ना बड़ा पागल होता है सबका, अपन सब लोगों का मन पागल होता है। और ये जो पागल मन है ना कब किसको याद कर बैठे, कब कौन सा ऊंधा सूंधा कर बैठे, कोई पता नहीं चलता इसका। ये पागल है मन, जो घोषित है पागल उनके लिए पागल खाना होगा, लेकिन अपन सब अघोषित पागल हैं। अघोषित घोषणा नहीं हुई अभी अपन लोगों के लिए कि अपन पागल हैं, पर दुनिया में कोई आदमी बुद्ध है ही नहीं, सारे पागल या बुद्ध ही ज्यादा भरे हुए हैं, बुद्ध लोग कम हैं, संबुद्ध लोग कम हैं, बुद्ध लोग ज्यादा भरे हुए हैं। किसी का नाम रखकर देख लो प्रेमचंद जी, वो कितना प्रेम करता मिलेगा भाई नाम रखने से कुछ हो जाएगा? मैंने सोचा कि लोग महाराज बन जाते हैं, सफेद कपड़े पहन लेते हैं, कोई पीतांबरी पहन लेते हैं, तो क्या कपड़े पहनने से कुछ हो जाता होगा क्या? तो मैंने सोचा कि अगर किसी आदमी का नाम प्रेमचंद रख दिया गया तो वो भी बिल्कुल प्रेम पूर्ण हो गया होगा, मगर तो क्या हुआ, इसी शहर की बात है, एक सज्जन आए, बोले साहब, वो दूसरे महाराज के पास गए और जाकर कहा साहब हमारे घर में पोती पैदा हुई है तो उस पोती का नाम रख दीजिए। वो मेरे पास आए, मैंने कहा साहब जब तक बच्चे को नहीं देख लेता हूँ मैं कैसे आपको सुझा सकता हूँ बच्चे का नाम क्या रखा जाए, पहले थोड़ा देख तो लूँ उसके डील डॉल कैसे हैं। तो बोले ऐसे कोई देखने से पता चलता है क्या? अरे भाई कोई दूध पी करके बाल थोड़े पकाए हैं, कुछ ना कुछ तो जीवन को जिया इसलिए देख के कह सकते हैं। तो उसको लगा यार यहाँ बात नहीं बनेगी, दूसरे महाराज के पास चले गए और उनको जाके कहा कि साहब हमारे घर में पोती हुई है और उसका नाम रखना है, और उन्होंने नाम सुझा दिया साक्षी, ध्यान मार्ग से जुड़ गए थे तो उन्होंने नाम सुझा दिया साक्षी और उन्होंने ले जाके रख दिया। 4 साल 5 साल के बाद वो जब बच्ची मिली तो इतनी बदमाश प्रकृति की, एक्स्ट्रा बदमाश, उठा के दादे की भी थप्पड़ मार दे। तो भाई साक्षी नाम रखने से आदमी कोई साक्षी नहीं हो जाता, कपड़े बदल लेने से कोई आदमी नहीं बदल जाता, मन बदले, मन बदले तो जीवन बदले। और मन को बदलने को का रास्ता, मन को संवारने का रास्ता अगर कहीं से जुड़ा हुआ है तो ध्यान का रास्ता है, बाकी मैंने कई रास्ते और भी समझने की कोशिश की। तो मैंने देखा लोग मंदिर जाते हैं
मैंने समझा वो भी एक रास्ता होगा, मगर जब वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ लोग वहाँ पर भी तू तू मैं तू तू मैं करते रहते हैं, तो लगता है वो भी एक रास्ता, सही रास्ता लोगों को अभी भी उपलब्ध नहीं हो पाया। वो पहले चरण में ठीक है पर आखिरी चरण वो नहीं है। तो लोग तपस्या करने लगे तो तपस्या करने वाले लोगों को गुस्सा करते हुए देखने लगा, तो मुझे लगा कि ये तपस्या पहले चरण में ठीक है पर ये अंतिम चरण नहीं है। अमूमन तपस्या करने वाले जो लोग मिलेंगे ना गुस्सा करते हुए, थोड़ी सी भी उनमें सहनशीलता जो पहले की थी होती है वो भी चली जाती है। अब भूखा मरता क्या करेगा, झाइयां मारेगा और क्या करेगा। तो मुझे तो अगर पता चल जाए किसी आदमी को गुस्सा आया हुआ है तो मैं तो पहला मानता हूं उसका पहला इलाज यही करो, भाई ठीक है यार तुझे जो मुझे सुनाना है सुना देना, पहले जाके रोटी खा के आ जा। रोटी खाते ही आधा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा उसको पानी पिला दो, दूध पिला दो, शरबत पिला दो, एक्स वाई जेड कुछ भी जो आपको अच्छा लगे ना पिला दो। जैसे वो पिएगा ना थोड़ा सा विटामिन प्रोटीन पेट में जाएगा, पेट में जाते ही माथा जो टेम्परेचर होता है ना उसका हाफ डाउन हो जाता है। बिल्कुल सीधा सरल तरीका पता है, पापा को गुस्सा आता हो ना आप हो तो मत दे दीजिएगा, नहीं तो पापा उठा के एक और थप्पड़ मार देंगे। पर दादी माँ हो ना, दादी माँ उनको जाके बोल देना, दादी माँ पापा को थोड़ा तेजी आ गई, एक गिलास पानी दे के आ जाइए। तो दादी माँ को तो पापा कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनको तो इतना ही बोलेगा ठीक है रख दो। दादी माँ एक गिलास पानी ले जाके देगी तो वो वापस इतना ही बोल पाएगा, पापा भी क्यों ना हो ना ठीक है रख दो। पर अपन ने जाके अगर कह दिया ना थोड़ा एक गिलास पानी पी लो, सच्ची में बहुत बुरी हालत हो जाएगी अपन लोगों की, कहीं वो गिलास अपन लोगों पर ही आ ना गिरे। तो गिलास तो देनी चाहिए पर थोड़ा देखभाल के कि किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। मैं पकड़ा देता हूँ, किसी को गुस्सा आता तो मैं पकड़ा देता हूँ, मुझे पता है भाई वो मुझे जल्दी से कहेगा नहीं, इसलिए मैं ले जाके पकड़ा देता हूँ। अच्छा ठीक है साहब, आपको मैं बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, जो आप कहेंगे वही करेंगे, वही होगा जो आप कहेंगे, पर पहले खाना खाइए। आप मेरी बात तो सुनिए। सुनेंगे, मैंने कब मना किया कि नहीं सुनेंगे, पर पहले खाना खा के आ जाइए, क्योंकि भूखा आदमी कुछ भी कहेगा तो सारा झेलना मुझे पड़ेगा, और मैं भी तो इंसान के रूप में पैदा हूं, आखिर मैं झेल झेल के कितना झेलूं भाई, झेल झेल के कितना झेलूं। तो इसलिए पहले खाना खा लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ध्यान मन को संवारने की कला का नाम है। तो हम लोग ध्यान धरते हैं, मस्ती लेते हैं, अपने प्रति अपने आप को जागरूक करते हैं। बाकी कोई भी धर्म का रास्ता अपनाओ तो कहीं जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, कहीं माथा झुकाना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, जहाँ है वही स्थान मंदिर बन गया, जहां खड़े हैं वही स्थान तीर्थ बन गया, घर है तो वो भी मंदिर बन जाएगा, मकान की छत है तो वो भी किसी पुष्कर सरोवर का पनघट बन जाएगा। और जहां है मस्ती से 10 मिनट बैठ गए, 20 मिनट बैठ गए, आधे घंटा बैठ गए, एक घंटा बैठ गए, मन नहीं किया तो खड़े हो गए, कोई गिरवी थोड़ी रखा हुआ है, जितनी देर मन किया उतनी देर किया, नहीं मन किया वापस चले गए। पर जितनी देर भी हम बैठे उतनी उतनी देर के लिए तो मन को थोड़ा बहुत तो हमने श्रृंगारित किया ही किया, और तय है कि दुनिया में चेहरे का रंग अच्छा जरूर लगता है पर मन का रंग उससे भी 100 गुना ज्यादा अच्छा लगा करता है। जब आप रोते होते हैं ना, जब आप गुस्से में होते हैं ना, बिल्कुल अदर्शनीय हो जाते हैं, पर जब आप मुस्कुराते हैं ना, थोड़ा सा मिठास से बोलते हैं ना सचमुच, तब कौन आदमी होगा जो लाल किला देखने जाएगा, कौन आदमी होगा जो ताजमहल देखने जाएगा, अरे आपको देखकर ही ताजमहल का आनंद आ जाएगा, आपको देखकर ही। मैं कहा करता हूं कि भी अगर आपके पतिदेव हैं तो आप अपने पतिदेव से ऐसे ही बर्ताव कीजिए जैसे पुराने जमाने में रानी और महारानी अपने महाराजाओं के साथ
किया करती थी। अगर आप एक रानी और महारानी बनकर के राजा के साथ महाराज का व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ एक न एक दिन तो नूरजहां का व्यवहार जरूर करेंगे, वो भी आपके साथ नूरजहां का व्यवहार करेंगे, अवश्यमेव करेंगे। थोड़ा सा ध्यान धरें। और जब हम ध्यान धर रहे होते हैं तो ध्यान में हम कुछ नहीं करते, पहले हम 10 मिनट तक श्वासोश्वास लेते हैं। ध्यान में हम पहले 10 मिनट तक लयबद्ध गहरी सांस या लंबी सांस लेने का प्रयत्न करते हैं। सांस एक बहुत बड़ा साधन है, श्वास एक बहुत बड़ा सेतु है। जैसे कोई व्यक्ति भगवान का जाप करने लगे तो माला के मणियों का उपयोग करता है, वैसे ही सांस भी माला के मणियों के समान है। तो सांस एक दरवाजा है जो कि हमें भीतर तक उतरने में मदद करता है। सांस एक दरवाजा है कि जिसके सहारे हम अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं। सांस एक वो माध्यम है कि जिसको पकड़ करके हम अपने शरीर में होने वाले प्रभावों को भी पकड़ सकते हैं। और जब तक श्वास के प्रति लयबद्ध नहीं होते, श्वास के प्रति जागरूक नहीं होते, तब तक हमें शरीर में होने वाले किसी भी संवेदन का एहसास नहीं होता। डॉक्टर और आयुर्वेदाचार्य होते ना, वो हाथ की नाड़ी पर अपनी अंगुलियां रख करके और फिर नाप तोल करने लगते हैं कि कितनी गति है उसकी। लेकिन साधना करने वाला व्यक्ति इस हाथ की नाड़ी तो क्या, हृदय की धड़कन तो क्या, ठेठ सुषुम्ना प्रदेश नीचे तक की नाड़ियों में भी अगर वहां पर गति हो रही और वहां पर भी प्रवाह चल रहा है, भले चाहे वो रक्त का प्रवाह हो, चाहे वह वायु का प्रवाह हो, चाहे वह ऊर्जा का प्रवाह हो, वह उस प्रवाह को भी जानने लगता है, वह उस पर भी जागने लगता है, वह उस पर भी दत्तचित्त हो जाता है। पर इसका जरिया है सांस। ध्यान में अगर हम प्रवेश कर रहे हैं तो पहले श्वासोश्वास पर एक लय हो जाना चाहिए, और जब तक श्वास पर एक लयता न सदे तब तक आगे ध्यान की प्रक्रिया शुरू ही नहीं करनी चाहिए। कि अभी तक सांस ही पकड़ में नहीं आई, सांस पर ही हम स्थिर न हो पाए लगातार 2 मिनट तक, तो अपनी संवेदनाओं पर कैसे स्थिर हो पाएंगे। जब तक हम श्वास पर ही लगातार 2 मिनट तक स्थिर नहीं हो पाए, तब तक हम अपने चित्त के संस्कार और चित्त की धाराओं पर कैसे साक्षी होकर के स्थिर हो पाएंगे। क्योंकि मन है, 1 सेकंड में जैसे सरोवर में लहरें उठती रहती है गिरती रहती है, ऐसे चित्त में भी संस्कार उठते रहते हैं गिरते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। कभी कभार ही सरोवर में पूर्ण शांति रहती है, बाकी तो हवाएं चलती रहती हैं। तो संवेदनाएं भी शरीर में है क्या? शरीर में यही चीज तो है, नाक में सांस है, शरीर में अनुकूल या प्रतिकूल एहसास है, फीलिंग्स है, बाकी तो ये हाड़ मांस का लोथड़ा है शरीर, स्ट्रक्चर खड़ा है आरसीसी का। कि जैसे खेत में बीजू का खड़ा रहता है, दो बांस, एक बांस यूं खड़ा है दोनों हाथ फैलाए हुए और एक बांस पर वो पूरा का पूरा टांगा खड़ा है, अपन भी तो वैसे ही है बीजू के की तरह खेत में खड़े। पर इसके भीतर ये जो संवेदन है वो है हमारे जीवन का यथार्थ, श्वास है हमारे जीवन का यथार्थ, हमारे चित्त में उठने वाली धाराएं संस्कार वो है हमारे जीवन का यथार्थ। लोगों ने धर्म के वो रास्ते तो खूब समझे हैं कि जिसको नहीं देखा जिसको नहीं पहचाना उसको अपन जिंदगी भर पूजते रहते हैं धोखते रहते हैं। अरे भाई खुद हो तुम खुद ही एक देवता हो, तुम खुद ही एक देवता हो और तुम खुद को ही तो अनुभव करो ना। स्वयं की तीर्थ यात्रा स्वयं में हो जानी चाहिए, स्वयं की यात्रा स्वयं में हो जानी चाहिए। अब 3 के अलावा, नंबर 1 फीलिंग करते हैं नंबर 1 में और वो है श्वास, बाकी आप फीलिंग क्या करेंगे?
आईने में देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार पलकें झपक रही हैं, रोटी चबाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई मुंह चल रहा है, कोई शब्द आएगा तो पता चलेगा अपन सुन रहे हैं। इसके अलावा कुछ पता चलता है क्या? इस शरीर के भीतर क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है? हार्ट धड़क रहा है पता चल रहा है? पेट में जो खाना खाया वो क्रीम बन रहा है अपने को पता चल रहा है? अचानक जोर की शंका होती है और निवृत्ति के लिए जाना पड़ता है, केवल इतना ही पता चलता और कुछ पता नहीं चलता। लेकिन शरीर में संवेदन फीलिंग्स क्षण क्षण उठ रहे हैं, क्षण क्षण बदल रहे हैं, श्वास क्षण में आ रही है और क्षण में जा रही है, चित्त में धारा क्षण में आ रही है और क्षण में जा रही है। और जैसे किसी श्वास को हम अपनी श्वास नहीं मानते, आई और चली गई, ऐसे ही ध्यान पूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति शरीर के किसी भी संवेदन को अपना संवेदन नहीं मानता, वो समझता है संवेदन एक उदय हुआ और ये चला गया। और जैसे संवेदनों के उदय और विलय को हम सहज भाव में स्वीकार करने लग जाते हैं कि उठता है और चले जाया करता है, ऐसे ही धीरे 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 यह समझ में आने लग जाता है चित्त में संस्कार भी एक उदय आता है चले जाया करता है, न सांस मेरी न संवेदन मेरा न ये उठने वाली धारा मेरी, तीनों की अपनी अपनी प्रकृति है और प्रकृति के अनुरूप सब कुछ हो रहा है। माना ये सब चीजें हमसे ही जुड़ी हैं, सांस भी संवेदन भी और संस्कार भी चित्त की धाराएं भी, पर जो जो व्यक्ति विश्राम पूर्ण होने लग जाता है, साक्षी होने लग जाता है, ध्यान का मतलब ही इतना सही होता है, विश्राम पूर्ण होना, साक्षी होना, साक्षित्व को उपलब्ध करना ही ध्यान का परिणाम है कि अब हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है उदय हो गया हो गया, पर जो तड़फन होती है ना उदय के बाद, वो तड़फन हमें नहीं सताएगी, वो जो संस्कार उठकर आएगा वो हमें नहीं तड़फाएगा। ठीक है भाई जान गए, ये यूं ही उठते हैं चले जाएंगे, एक मिनट आधा मिनट दो मिनट रहेंगे फिर निकल जाएंगे। अच्छा जरा एक बात बताइए, आप ध्यान में कभी बैठे तो आपको लगा कमर दर्द कर रही है? कोई भी व्यक्ति अगर लगातार दो मिनट तक उस वेदना का अनुभव करने लग जाए, उस संवेदना को समझने लग जाए, तो दो मिनट समझते समझते लगेगा जैसे वो वेदना साफ हो गई। कल सांझ को मैं ध्यान धर रहा था तो ध्यान में जैसे उतरने लगा मुझे लगा पूरे शरीर में से उष्णता फूट रही है, पूरे शरीर में से चारों तरफ से पसीने निकल रहा है, संवेदनों का अनुभव करने लगा, जागरूक हुआ, आत्म जागरूक हुआ, पता है ये भी बदलेगा, ये एक उष्णता नामक संवेदन का फीलिंग्स का उदय हुआ है और तय है सांस भी आती है और चली जाती है, ऐसे संवेदन भी आता है और चला जाता है। तो वो उष्णता धीरे 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 शांत हो गई और शीतलता में परिणत हो गई। फिर दोबारा 10 मिनट के बाद फिर वही शरीर में से उष्णता फूटने लगी, वापस वही धीरे धीरे शांत हो गई। संवेदन ऐसे ही उदय होते हैं, शांत होते हैं, क्रोध भी ऐसे ही उदय होता है, शांत होता है। जब जब भी हमारे भीतर कषाय का उदय होने लगता है तो कभी क्रोध बन जाता है, कभी मोह बन जाता है, कभी विकार बन जाता है, कभी वासना बन जाता है, कभी लोभ बन जाता है, और अलग अलग तरीके से ये उदय में आने लग जाता है, ये इसकी प्रकृति। पर अगर हम श्वास पर अपने आप को साधते हैं, धीरज से बैठे और पहले 10 मिनट तक लयबद्ध गहरी या लंबी सांस लो तो बिल्कुल वही उदाहरण याद रखो कि जैसे लोहार की धौंकनी होती है ना, लोहार का चूल्हा जलता है, छोटी सी अंगीठी जलती है, मगर पीछे एक पंपिंग के लिए लोहार लोग एक धौंकनी रखते हैं, चमड़े का एक गुब्बारा होता है और उसमें वो लोग चलाते रहते हैं और जो जो वो चलता है त्यों त्यों उधर आग
सुलगती रहती है, बढ़ती रहती है और इतनी तेज आग हो जाती है कि लोहा भी उसमें पिघलाया जा सकता है। तो ठीक इसी कदर हम अपने सांसों के जरिए भी, हम अपने शरीर में जहां पर भी प्रमाद है उस प्रमाद को दूर कर सकते हैं, जड़ता है तो जड़ता को दूर कर सकते हैं। अरे भाई केवल एक इतनी सी बात याद रखो ना, और कोई बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अपन सब लोगों ने स्कूटर चलाया है, कार चलाई है, साइकिल चलाई है, जरा एक बात बताओ, साइकिल के वो दो जो व्हील होते हैं ना, क्या वो व्हील चल सकते हैं क्या? उस व्हील की ताकत होती है क्या? उस व्हील पर एक ट्यूब लगा होता है और उस ट्यूब में हम लोग करते क्या है, थोड़ी सी हवा भरते हैं और उस हवा के भरने से वो तीन तीन लोगों को चढ़ा के आगे बढ़ जाती है। इतने बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, निश्चित तौर पर इंजन चलाता होगा, निश्चित तौर पर मोटर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी या सर्वाधिक भूमिका होगी, पर जरा एक भी चक्के को पंचर करके फिर चला के बता दो। वो मोटर चल सकती है पर किसी को चला नहीं सकती, वो मोटर खुद चल सकती है पर किसी और को चलाना है तो उसमें हवा भरनी पड़ेगी। हवाई जहाज भी उड़ते हैं तो उसका नाम ही हवाई जहाज इसलिए है, जो हवा में उड़ता और अंदर हवा भरी जाती है, हवा भरते वो गुब्बारे की तरह हल्का हो जाता और हल्का होते ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। तो हम भी अगर अपने शरीर में श्वास भरते हैं तो श्वास के भरने से शरीर के सारे रोग कटते हैं, सारी कमजोरी दूर होती है, अशुद्ध नाड़ी संस्थान शुद्ध होने लगता है। इसीलिए मैं तो प्राणायाम का अर्थ ही यही कहता हूं कि प्योरिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारे नाड़ी संस्थान है उसको शुद्ध करने का ये तरीका है। मैं तो अभी तक नहीं उड़ा हूं, मुझ में अभी तक हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ने की योग्यता नहीं आई है, पर अपन लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कई दफा ऐसा जरूर अनुभव किया है कि ध्यान की गहराइयां, और ऐसी ध्यान की गहराई रोज रोज नहीं बनती, कभी कभार ही बनती है, और जिस दिन ये ध्यान की गहराई बनती है तब शरीर पड़ा रह जाता है और चेतना इसमें से निकल करके ब्रह्म विहार करने के लिए चली जाया करती है और वापस लौट भी आ जाया करती है। पर अगर कोई पूछे इसकी प्रक्रिया क्या है तो प्रक्रिया नहीं बताई जा सकती है, ये तो स्वयं में ही एक ऐसी गहराई बनती है और उस गहराई में से ही इस तत्व का आविष्कार होता हुआ देखा जाता है। तो पहले 5, 7, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, कोई इसकी लिमिट नहीं है, पर पहले यह ध्यान रखें कि मैं लयबद्ध गहरी श्वासोश्वास लूं, लंबी श्वासोश्वास लूं, और जब हम श्वासोश्वास लें तो केवल श्वास न लें, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी जागरूकता, अपना कंसेंट्रेशन, अवेयरनेस, अटेंशन, और वो श्वासोश्वास पर रखें, उदय विलय, और हम आवागमन पर ज्यो ज्यो हम एक लय होते हैं, ज्यो ज्यो हम एक लय होते हैं, बचपन का वो किस्सा याद करो, जब हम लोग बचपन में आईना उठाते, सूरज की तरफ आईने को करते और उसके झलके को फिर एक कागज के टुकड़े पर डालते और हम देखते कि कागज का टुकड़ा जलने लग गया है। बचपन में अपन सब लोगों ने खेल खेला है, तो ऐसा तो सूरज किसी को भी नहीं जला सकता, पर सूरज की रोशनी को, सूरज की धूप को अगर किसी एक में कलेक्ट कर दिया जाए तो कलेक्ट करने से उसमें आग लगाने की क्षमता पैदा हो जाती है। ये सौर चूल्हे जितने भी चलते हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाले जितने भी संयंत्र है, वो सारे यंत्र इस बात का ही तो एहसास कराते हैं कि वो सूरज की बिखरती हुई ऊर्जा को अपने में, वो कांच है वो कलेक्ट कर लेता है और बिजली भी चला देता है, कूलर भी चला सकता है, खाना भी पका सकता है सौर ऊर्जा से। तो ये जो हम अपने श्वासोश्वास पर एक लय हो रहे हैं, अर्थात हम अपने सांसों की बिखरती हुई ऊर्जा को हम एक लय कर रहे हैं, अपने चित्त की धाराओं को, चित्त की ऊर्जा को उस पर एक लय कर रहे हैं, और ये एक लय होते ही हम अपने शरीर की हर संवेदना, हर फीलिंग्स, हम अपनी पूरी काया के प्रति जागरूक होने लग जाते हैं, और तब हम इस स्थूल काया के प्रति जागरूक नहीं होते। इस स्थूल काया में तो यही है, केस, हड्डी, त्वचा, मांस, खोपड़ी, ये आंखों की पुतलियां, ये मांस, ये थूक, ये दांत,
ये लटकती हुई नलियां, ये खून, ये मल मूत्र, वीर्य, रज, कफ, पित्त, वायु, यही सब तो इस स्थूल शरीर में है। इसका अनुभव करने के लिए ध्यान में थोड़ी बैठते, ये तो ऐसे ही ध्यान में है सबको कि मुंह में कब भर आया, अपन ने थूक दिया कि डकार आई कि बोले गैस पैदा हो गई। इन चीजों का अनुभव तो स्वतः है, हम ध्यान इन चीजों का अनुभव करने के लिए नहीं करते। इसके भीतर के जो सूक्ष्म स्पंदन होते हैं हम उन पर जागरूक होते हैं और उनको शांतिमय बनाने का प्रयत्न करते हैं, उनके साक्षी होने का प्रयत्न करते हैं। उन सारे संवेदनों को जो प्राकृतिक रूप से भीतर में उदय और विलय चलते रहते हैं उनको हम विश्राम पूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, जहां तक इनका प्रश्न है कि ध्यान से पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की अनुभूति की जा सकती है, तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे इंसान का ध्यान गहरा होगा, मैंने कहा ना ये मन को लगाने की बात है, मन को संवारने की बात है। अब ये बात ठीक है, लोगों की असहजता को भी मैं समझता हूँ कि भाई अपन लोग आए केवल यहाँ पर 7 दिन के लिए हैं और 3-3, 4-4 बैठक लगानी पड़ती है, तो लोगों के शरीर में रोजाना का अभ्यास होता नहीं है तो शरीर असहज हो जाता है। तो कई दफ़ा लोग ध्यान करते करते लेट भी जाया करते हैं ताकि शरीर को थोड़ा विश्राम मिल जाए। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, मैं इसके लिए टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बता देता हूँ अप्रमत्त दशा में ही व्यक्ति के भीतर गहराई बनती है। लेट कर ध्यान केवल तभी करो जब बीमार हो जाओ, कि शरीर बीमार है तभी लेट कर ध्यान करो, इसके अलावा लेट कर ध्यान करना दोषपूर्ण है, क्योंकि वो ध्यान नहीं होगा, वो केवल रिलैक्सेशन हो सकता है, विश्राम पूर्ण शरीर को बनाने का तरीका हो सकता है, लेट कर ध्यान कभी नहीं होता। इसलिए लेट कर जो हम ध्यान करते हैं वो प्रॉपर रिलैक्सेशन, केवल 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन उसका संबंध अध्यात्म से धर्म से कतई नहीं है, उसका संबंध केवल शरीर को और ब्रेन को तनाव मुक्त करने से ही है। तो अगर लगता है कि आज शरीर में असहजता है तो दीवार का सहारा ले लो भाई, या जो आसन आपने लगाया है उस आसन को पीछे से तकिया बना लो थोड़ा सा और पीछे से थोड़ा सा हल्का सा सहारा दे दो, और या सीधा बैठने के बजाय कमर को झुका दो। है तो ये भी प्रमाद की स्थिति है, पर शरीर को भी रिलैक्सेशन चाहिए, विश्राम पूर्ण स्थिति चाहिए। शरीर अगर असहज होगा तो चित्त में स्थिरता नहीं बन पाएगी, तो रिलैक्सेशन जरूरी है, शरीर का विश्राम पूर्ण होना जरूरी है। तो पहले सब चीजों का ज्ञान हो सकता है, अपने आप होने लग जाएगा। किसी को अगर बड़ाई न लगे तो मैं ये बात कह सकता हूं कि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जिनका कि मेरे साथ उनके पूर्व जन्म का संबंध रहा है। मैंने ऐसे स्थानों को देखा है जहां पूर्व जन्म में मैं गया हुआ हूं, पर मैं ये बातें इसलिए नहीं बोलता क्योंकि किसी को हो सकता है, लग सकता है कि अपने मुंह ये छांट रहे हैं। और मैंने कई जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनमें से 2-3 लोगों को तो मैंने कुछ बताया हुआ है, स्थान तक दिखाए हुए हैं कि ये स्थान अपने पूर्व जन्म की अर्थियां तक देखी हुई है, पूर्व जन्म में मिले हुए अभिशापों तक को देखा हुआ है। ध्यान की गहराई सहज ही व्यक्ति की चेतना में इन सब चीजों का आभास अपने आप कराती चली जाती है। तो जो आदमी अपने बंधन को और अपनी मुक्ति को समझने का प्रयत्न कर रहा होगा वह व्यक्ति अपने पूरे जीवन को भी समझने का प्रयत्न कर रहा होगा, और जो व्यक्ति जीवन को समझने का प्रयत्न कर रहा होगा वो अपने माता पिता जन्म भाई ये वो सब क्या है इनको भी समझने का प्रयत्न कर रहा होगा, और जो व्यक्ति इन सब को समझने का प्रयत्न कर रहा होगा उसकी और गहराइयों तक भी उतरने का जरूर प्रयत्न कर रहा होगा। बिल्कुल नहीं होते हैं, किसी भी चीज के पूर्व जन्म को जानने का कोई प्रयोग नहीं होता। प्रयोग यही है कि व्यक्ति जितना अधिक अपने आप के प्रति जागरूक होता चला जाएगा, जितना अधिक अपने आप के प्रति एक लय होता चला जाएगा, अपने आप
ध्यान रखो, हमारे हाथ में केवल पुरुषार्थ करना लिखा है, और पुरुषार्थ हम केवल इतना सा कर सकते हैं कि हम लंबी या गहरी श्वासों श्वास कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने संवेदनों के साक्षी हो सकते हैं। पर यह गारंटी नहीं है कि आज अगर अपन ने संवेदनों का साक्षित्व लिया तो कल हमें वो संवेदन परेशान नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज अपन ने चित्त को शांत करने का प्रयत्न किया, पर अपन शांत केवल ऊपर ऊपर कर पाए, क्रोध और भीतर भरा हुआ था, कोई निमित्त आया वो फिर प्रकट होकर के आ गया। तो वो हमारी बुनियादी कमजोरियां हुई, जो हम लोगों के भीतर जन्म जन्मांतर से कमजोरियां भरी हुई है। और कोई भी बीज अगर जमीन में उतरता है तो एक ही दिन में बरगद नहीं बन जाया करता है। जल्दबाजी यहां दोष है। यह मार्ग धैर्य का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग धैर्य का मार्ग है, शांति का मार्ग धैर्य का मार्ग है। अधीर होकर के जल्दबाजी करके अगर कोई आदमी यह सोचे, ऐसा हुआ, हमारे पास एक आदमी था तो एक महाराज ने उनको दिया, भैया ये लिफाफा गौन से चिपका कर ले आओ। तो आदमी थोड़ा सा वो गंवारू आदमी था तो गया, लिफाफा लेकर गया और उस पर गौन लगाया, उतार के देखा यार चिपका ही नहीं है, तो बोले और दोबारा गौन लगाता हूँ। फिर दोबारा लगाया, फिर चिपकाया, फिर खोल के देखा, अरे यार ये तो चिपका ही नहीं। फिर तीसरा गौन लगाया, फिर चिपकाया, यार फिर खोला, यार ये तो अभी भी नहीं चिपका। वो पूरा गौन से साड़ करके लेके आ गया और वापस आया, बोले महाराज जी ये तो चिपकता ही नहीं, इतना सारा गौन लगा दिया, इतना सारा गौन लगा दिया तो चिपकता ही नहीं। तो महाराज भी हंसने लगे, मैं भी मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा भैया ये ऐसे नहीं चिपकता, ये सारा गौन पोंछ डाल, अब इस लिफाफे को तो हटा क्योंकि ये पूरा लिफाफा खराब हो गया, अब एक काम कर दूसरा लिफाफा लेके आ। तो दूसरा लिफाफा लेके आया, मैंने कहा ये चिपकाना सीख लो, और थोड़ा सा गौन लगाया, चिपका दिया। तो बोले ये चिपक गया, उतार के देखो। मैंने कहा अभी नहीं उतारना है, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो। और आधे घंटा एक घंटा के बाद वो इधर उधर घूमता घामता आया, मैंने कहा अब इसको उठाओ खोलो। बोले साहब अब तो ये नहीं खुलता, चिपक गया। तो बोले चिपका कैसे? मैंने कहा ये राज की बात समझ लो, चिपकने का तरीका धीरज है, और धीरज अगर धरते हैं तो हर चीज चिपक जाया करती है। जल्दबाजी करते हैं, अरे यार अभी क्या, अभी कुछ हुआ ही नहीं। तो दुनिया में ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। बच्चों को देखकर सीख सकते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है पहले दिन में ही MA नहीं हो जाता, धीरे धीरे पढ़ाई होती है, धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है, धीरे धीरे निर्माण होता है, और ये सब काम धीरे धीरे होता है। ध्यान भी अपने परिणाम धीरे धीरे देता है, धीरे धीरे देता है। तो पहले हम 10 मिनट तक अपने श्वासोश्वास पर ध्यान धरेंगे। ध्यान धरने के बाद हम अपने इस देह पिंड, ये जो हमारा पिंड है, ये जो हमारी काया है, इस काया को हम स्थूल रूप में भी भली भांति इसका संवेदन करेंगे, सूक्ष्म रूप में भी इसमें जो सेल्स, जो हमारे हमारी जो ऊर्जा है, हम उसका भी अनुभव करने लगेंगे, उसको भी शांतिमय बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले व्यक्ति श्वासोश्वास पर ध्यान धरे, फिर व्यक्ति अपने इस काया पर, तो पूरी काया पर ध्यान धर सकता है, एक एक अंग पर ध्यान धर सकता है, पूरी काया का एक साथ वो संवेदन कर सकता है, पूरी काया में से एक एक अंग पर वो ध्यान केंद्रित कर सकता है। अब ये वो स्वयं अपना बोध रखे कि मेरा कितना प्रतिशत जागरूक भाव बन पा रहा है, लगता है पूरी काया के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहा हूं, तो फिर एक एक अंश पर वो जागरूक हो, और लगता है वो पूरी की पूरी काया के प्रति जागरूक हो रहा है तो पूरी की पूरी काया के प्रति जागरूक हो जाए, लगता है वो उसको मुक्ति से निर्वाण से मोक्ष से कोई संबंध नहीं है, भगवान से कोई संबंध नहीं है, वो तो केवल अपना सहज जीवन जी रहा है और ध्यान के द्वारा जितनी एनर्जी पा सकता है पाने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसको फिर 6 चक्रों पर ध्यान करो। नीचे है सुषुम्ना, ये जो पीछे की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला तिकोना है, वहाँ पर 3 छिद्र हैं और वो है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का तंत्र, उसी से ही पांवों तक पूरे नाड़ी संस्थान फैले हुए हैं, और ये रीढ़ की हड्डी से ही पूरे शरीर में नाड़ी संस्थान गुथा हुआ है, और सबकी चोटी हमारी ये रीढ़ की हड्डी है जिसमें सबकी चोटी गुंथी हुई है, सारी नाड़ियों की चोटी इसी में ही गुंथी हुई है। तो ये जो आगे के प्रदेश हैं,
कुंडलिनी शक्ति पीठ कहलाती है, ऊर्जा का मूल केंद्र कहलाता है शरीर का नीचे का, और ये मल द्वार और मूत्र द्वार दोनों के बीच का जो सारा ये केंद्र है, ये सारा का सारा कुंडलिनी एक नाम है, मूलतः ये हमारा ऊर्जा केंद्र है जो कि पूरे शरीर को संचालित कर लेता है। ऊपर से संदेश आता है वहाँ तक पहुँचता है, वो पाँवों तक हाथों तक सब जगह वो नाड़ी संस्थान के जरिए वो फैला देता है। तो वो है ये पेड़ू का प्रदेश है, नाभि का प्रदेश है, छाती हृदय का प्रदेश है, कंठ का प्रदेश है, ये सब ऊर्जा के घनत्व हैं। यहाँ अपना अपना एक सिस्टम है, कंठ है, दिखने में लगेगा कंठ में कुछ नहीं है मगर इस कंठ में सारी ताकतें समाई हुई है, सारी भाषा की वर्गणाएँ, सारे भाषा के पुद्गल परमाणु सब इसी में ही व्याप्त हैं, भाषा की सारी ऊर्जा इसी में व्याप्त है। ये छाती हड्डी पसलियों के लिहाज से देखें तब तो यही है, पर इस छाती की हड्डी पसलियों में इतना ऊर्जा का घनत्व है कि पूरा शरीर इसका सेंट्रलाइज बना हुआ है, और यहीं से ही पूरे शरीर को रोशनी मिल रही है, पूरे शरीर को ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। यहाँ से खून मिलता है तो पूरा पांव संचालित होता है, ब्रेन भी इसी हार्ट से संचालित होता है। लगता होगा कि ब्रेन से शरीर संचालित होता होगा, नहीं, कई लोग कोमा में चले जाते हैं, पर वो जीवित तब तक रहते हैं जब तक हार्ट चलता रहता है। ये जो हार्ट है ये तो भौतिक शरीर का हार्ट हुआ, और ये जो हृदय प्रदेश है कि आदमी दिल में समा गया, प्रभु जी दिल में समा गए, व्यक्ति की ये जो अंतस चेतना का जो केंद्र है ये व्यक्ति का अपना हार्ट है। दिखने में ये साधारण सा दिखता है पर इसी में ही जीवन के अनंत द्वार खुले और छुपे हुए पड़े हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने तो इस हृदय की इतनी साधना की है कि उन्होंने इससे अपना कैवल्य अर्जित किया है, मुक्ति लाभ अर्जित किया है, जीवन की अनगिनत सिद्धियाँ अर्जित की हैं। इस हृदय के रास्ते से जब चेतना का विस्फोट होता है, इस हृदय के द्वार से जब चेतना का विकास होता है तो आगे के द्वार खुलते हैं। वो आगे के द्वार तो ऊंचे द्वार हो गए। अपन जब तक एक साधारण स्थिति में हैं तब तक अपन लोग ये छह चक्र हैं और छह चक्रों पर ध्यान कर सकते हैं। ये ध्यान का और ज़्यादा सरल स्वरूप हो गया, पर अपनी शांति के लिए, अपनी सत्वों की शुद्धि के लिए, जो हमारे शरीर में सारे पुद्गल परमाणु हैं उनकी शुद्धि के लिए, जीवन में शोक और क्रंदन जो बार बार पैदा होते रहते हैं उनकी शांति के लिए, उनके अवसान के लिए हम लोग पूरे शरीर पर अपना ध्यान धरते हैं, अपनी चित्त धाराओं पर अपना ध्यान करते हैं, मौन होते हैं और अपने में जितनी देर अपनी स्थिरता बनी हुई रहती है अपन लोग स्थिर होते हैं। और जब कोई साधक अपने में स्थिर होकर के उस समय अगर दो मिनट भी प्रभु का स्मरण करेगा, ओंकार का स्मरण करेगा, तो उम्मीद है उसके सामने ओंकारेश्वर, उसकी अलख उसके भीतर जगेगी। वह अपने आईने में उसको देखने में समर्थ हो पाएगा, जैसे दीपक की लौ से लौ सुलगती है ऐसे ही उसकी चेतना में कुछ भी रोशनी, कुछ भी स्वाद, कुछ भी प्रकाश, अब सबके लिए अलग अलग अंतर्दशा बन जाएगी। एक के भीतर जरूरी नहीं है कि मेरे भीतर जो अंतर्दशा है वो आपके भीतर भी हो जाए, और आपके भीतर जो अंतर्दशा वो आपके बच्चों के भीतर हो जाए, या मेरे गुरुजी के भीतर जो अंतर्दशा थी जरूरी नहीं है कि वो मुझ में भी घटित हो जाए। हो सकता है मैं चार कदम पीछे रह जाऊं, हो सकता है मैं उनसे चार कदम आगे चला जाऊं, हो सकता है आप मुझसे चार कदम पीछे रह जाएं, हो सकता है आप मुझसे चार कदम और आगे निकल जाएं। ये सब की अपनी अपनी अंतर्दशाएं घटित होती है। मैं एक बात बता दूं आपको, और वो है कि अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी में भी इस तरह का नेगेटिव परिणाम उसको नज़र आता है कि निष्क्रिय टाइप का हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं जीवन में कुछ भी चीज़ निष्क्रिय नहीं होती है, वो समय मौन हो जाती है, वो समय मौन हो जाती है। मैं तो ये अनुभव रोज़ ही करता हूँ कि शरीर की धड़कन चल रही होती है तो जब ध्यान में प्रवेश करता हूँ तो शरीर की धड़कन चल रही है, श्वास चल रही है, लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ी सी तन्मयता बनती है तो देखता हूँ श्वास भी इतनी शांत, इतनी शून्य हो गई है कि जैसे नहीं के बराबर चल रही है। और अगर ध्यान शिविर कर रहे हैं तो रोज़ ही हर बैठक में ये दशा का अनुभव होता है, शरीर बिल्कुल शांत हो गया है, श्वास की गति बिल्कुल शून्य जैसी हो गई, नहीं के बराबर चल रही है, पेट आवागमन सब शांत, हृदय की धड़कन बिल्कुल शांत,
मौन हो चुकी है। शरीर अपने आप अपनी गति के हिसाब से वो चलता रहता है, लेकिन वो निष्क्रिय नहीं होता है, वो केवल मौन होता है, थिर हो जाया करता है। सागर का पानी अगर थिर हो गया, सरोवर में पानी की लहरें अगर नहीं उठ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्क्रिय हो चुका है, वो शांत हो चुका है। तो ये उसकी शांति है, न कि उसकी निष्क्रियता। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ।